हेलो हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी विद प्रतिभा। सो लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर फर्दर। हम लोगों ने बेसिक्स में थोड़ा सा पढ़ा था कंप्यूटर में जावा में कि टोकन्स क्या होते हैं। हम लोग टोकन्स की बात कर रहे थे और टोकन्स में हम लोगों ने पहला पढ़ लिया था दैट इज़ कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स के बाद सेकेंड पे आते हैं आइडेंटिफायर्स। तो जो आइडेंटिफायर्स हैं ये क्या होते हैं कि जैसे आप किसी भी पार्ट को, प्रोग्राम आप लिखोगे ना, तो आप किसी भी पार्ट को कुछ नाम दोगे तो उस नेम को बोलते हैं द आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स आर द सिम्बॉलिक नेम्स गिवन टू वेरिएबल्स, लिटरल्स, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस एट्सेट्रा। अब ये सारे टर्म्स आपको क्लियर नहीं हो रहे होंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है, लिटरल्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, क्लासेस क्या होता है। इसीलिए ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप प्रोग्रामिंग का कुछ पोर्शन भी थोड़ा थोड़ा साथ में पढ़ते रहो। अदरवाइज यही प्रॉब्लम आती है कि आप थ्योरी तो पढ़ रहे हो बट आपको उसको उसका एग्जैक्ट मीनिंग समझ ही नहीं आएगा। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा पहले आइडिया दूंगी अबाउट वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, लिटरल्स क्या होते हैं, एंड देन हम लोग फिर इस पार्ट पर आएंगे कि वॉट इज़ एन आइडेंटिफायर। तो जैसे लिटरल्स एंड वेरिएबल्स, लिटरल्स एंड वेरिएबल्स में सबसे पहले मैं बताती हूँ। जैसे आपने मैथ्स करते हो, मैथ्स में आपने क्या किया कि आप वेरिएबल लेते हो। जैसे आपने ले लिया ना x इज इक्वल टू 10, ये आपने वेरिएबल ले लिया। तो ये जो वेरिएबल आप लेते हो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अभी x की वैल्यू 10 है बट हो सकता है कुछ और भी हो जाए, मतलब मैथ्स में डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कुछ और भी हो सकती है। वेरिएबल नाम का मतलब ही यही होता है। वेरिएबल मीन्स कोई ऐसी चीज़ जिसकी जो जिसका मीनिंग जो है वो वेरी करे। वेरी मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमें जब जब प्रोग्रामिंग में ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हमें कुछ वैल्यूज़ स्टोर करनी है, हमें कोई डेटा या कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो उस डेटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसमें कोई स्पेस एलोकेट कर देते हैं। ये जो हमने स्पेस एलोकेट कर दी उसका साइज़ डिपेंड करेगा ऑन द बेसिस हम क्या स्टोर करना चाहते हैं। और इस जो भी हमने ये मेमोरी लोकेशन है जो हमने लिए है, रिज़र्व कर ली है, उस रिज़र्व्ड स्पेस का हम कुछ नेम रखेंगे और उस स्पेस के जो नेम को ही हम कहेंगे वेरिएबल। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं x इज इक्वल टू 10 ऐसा एक वेरिएबल लेना चाहती हूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मैंने मेमोरी में स्पेस क्रिएट की है इसका जो नेम है वो x है और इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी दैट विल बी 10 स्टोर हो जाएगी इसके अंदर। तो इस तरीके से हम वेरिएबल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन से दैट वेरिएबल्स आर द नेम्ड मेमोरी लोकेशंस। ओके, नेम्ड मेमोरी लोकेशंस, मेमोरी में लोकेशंस होती है जो कि जिनका क्या होता है, नेम होता है। वेरिएबल्स आर द नेम्ड मेमोरी लोकेशंस हुज वैल्यू कैन चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जिसकी वैल्यू एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम के टाइम चेंज हो सकती है। ठीक है, अभी आपने x इज इक्वल टू 10 लिख दिया और फर्दर आप अगर इसको x इज इक्वल टू 5 लिख दो या कुछ और कर दो तो ये भी पॉसिबल है। यानी अभी 10 है तो फिर बाद में 10 हट जाएगा और 10 की जगह क्या हो जाएगी, वैल्यू 5 हो जाएगी। तो ये सब पॉसिबल है, वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम चेंज हो सकती है वेरिएबल्स की। वहीं अगर बात करूँ लिटरल, ठीक है, जो कि नेक्स्ट टोकन में था लिटरल, तो लिटरल या जिसे हम कांस्टेंट भी बोलते हैं ये भी एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है जस्ट लाइक वेरिएबल। ठीक है, बट एक जो चेंज है वो ये है कि हुज वैल्यू कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, उसकी वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम चेंज नहीं हो सकती, दिस इज़ द मेन थिंग। तो हम लोग ये दोनों जब क्रिएट करते हैं किस तरीके से करते हैं उसको देखते हैं पहले। ठीक है, प्रोग्रामिंग जैसे कुछ भी नहीं आती फिर भी वो मान के चलना, थोड़ा सा कुछ बताएं, कुछ भी एक्स्ट्रा लेंगे तो उसके लिए सोचना मतलब समझने की कोशिश करना कि क्या बता रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये चाहती हूँ कि मैं दो नंबर्स को ऐड करना चाहती हूँ सपोज़। तो मैंने लिखा कि एक वेरिएबल मैं चाहती हूँ ए आ जाए। ये क्या होता है कि आप कोई भी वेरिएबल आप ऐसे ही नहीं ले सकते हो, आपको उसके आगे ये बताना पड़ता है कि आप इसमें क्या स्टोर करना चाह रहे हो। तो क्या होता है, इसको बोलते हैं कि हम किस टाइप की वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, द टाइप ऑफ वैल्यू बीइंग स्टोर्ड इन अ वेरिएबल।
ये बताना जरूरी है। इसी को हम कहते हैं डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल तो अब मैं लिख रही हूँ, जैसे कि जावा में क्या है कि कुछ डेटा टाइप्स हैं, अगर आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करना चाहते हो तो आपको इंट लिखना पड़ेगा, अगर आप कोई कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हो तो कैर लिखना पड़ेगा, अगर आप कोई डेसिमल नंबर स्टोर करना चाहते हो तो आपको फ्लोट या फिर डबल लिखना पड़ेगा। तो और भी हम लोग डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ेंगे आराम से बाद में कि डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है प्रॉपर। लेकिन आप फिलहाल बस इतना समझ लो डेटा टाइप क्या है कि आप वेरिएबल में जिस टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हो उसे बताने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए आपको उसके आगे ये कीवर्ड्स का यूज़ करना पड़ता है। ये कीवर्ड्स हैं, देखो आ गई बात, कीवर्ड्स दे आर द रिजर्व वर्ड्स। आप वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, आपने ए लेना है आप ए ले लो, आपको एक्स लेना आप एक्स ले लो, आपको कुछ अपना नाम रखना आप वो रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है ये कीवर्ड नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये कीवर्ड है, इनका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है, ठीक है। आप किसी वेरिएबल का नाम इंट नहीं रख सकते क्योंकि इसका कुछ रिजर्व मतलब है। तो ओके, तो जैसे मैं एक वेरिएबल ए ले रही हूँ तो मैं कैसे लिखूँगी इसको, इंट, इंट लिखा और फिर इसके आगे लिखा ए, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं चाहूँ तो और कोई वेरिएबल तो कॉमा लगा के लिख सकती हूँ, मैंने कॉमा लगा के लिख दिया बी, ठीक है। या एक और लेना चाहूँ तो कॉमा लगा के सी, मतलब ये मैंने तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए ए बी सी। ये इसका मतलब ये होता है कि आपने मेमोरी में सबसे पहले जब इंट ए, मतलब आपने एक मेमोरी एलोकेट कर दी जिसका कि नाम ए है, ठीक है, दूसरी मेमोरी एलोकेट कर दी जिसका कि नाम बी है, तीसरी मेमोरी एलोकेट कर दी जिसका कि नाम सी है, ठीक है। जस्ट लाइक कि आपने प्लॉट खरीद लिए, अब आप इसमें जो चाहे वो जो मर्जी है वो वैल्यू लिख सकते हो। जैसे आपने लिख दो ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 5, तो ए पे क्या वैल्यू स्टोर हो गई 10 और बी पे वैल्यू स्टोर हो गई 5, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, ये कॉन्सेप्ट है वेरिएबल्स का। तो ये वेरिएबल्स हो गए, ठीक है, इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम जैसे चाहो वैसे, ठीक है। सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल अभी मैं लिख दूँ सी इज इक्वल टू 7, तो सी पे क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 7, लेकिन इसके आगे ही मैं लिख दूँ कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो जब सी इज इक्वल टू ए प्लस बी यानी 7 भले ही हो गई थी, लेकिन जैसे ही देखो क्या होता है, सारे कमांड्स लाइन से एग्जीक्यूट होते हैं, पहले ये फिर ये फिर ये, ठीक है, सीक्वेंस में चलेगा। तो जब जैसे ही सी इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा तो तुरंत क्या हो जाएगा कि यहाँ पर इसकी वैल्यू 7 जो है ये हट जाएगी और इसकी जगह पर ए प्लस बी यानी कि 15 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है कि वेरिएबल की वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम चेंज हो सकती है। वेयर एज लिटरल्स में क्या होता है, लिटरल्स में क्या है कि लिटरल्स जो होते हैं, लिटरल या फिर कॉन्स्टेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, लिटरल्स में क्या होता है कि इनकी वैल्यू हमने बताया ना प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम चेंज नहीं होती है, तो कैसे डिफर करेगा। जैसे वेरिएबल में हमने बताया था कि जो वेरिएबल्स हैं उनमें आपने क्या एक बार जो वैल्यू ले ली उसके बाद कुछ और ले सकते हो, बट इसमें क्या होगा कि अगर आप फाइनल कीवर्ड का यूज़ कर लो, इट इज़ डिक्लेयर्ड यूजिंग कीवर्ड, फाइनल कीवर्ड। जैसे आपने ऐसे लिखा इंट ए बी, पिछले वाले एग्जांपल से कंपैरिजन करना, ठीक है, ये तो ए और बी नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर हो गए, दीज आर वेरिएबल्स, ठीक है। लेकिन वहीं मैं सी जब लिखूं तो मैं इंट सी के आगे मैंने फ्लोट और लिख दिया, तो क्या होगा, यानी अगर फ्लोट आगे लगा दो तो फिर क्या होगा कि अब क्या है, ये कॉन्स्टेंट बन गया, ये एक लिटरल बन गया। अब इसकी वैल्यू जो एक बार दे दोगे उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। इट मीन्स अगर आपने लिखा ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 5 और सी इज इक्वल टू 7, तो अब जो सी की वैल्यू 7 है वो अब चेंज नहीं हो सकती। अगर आप आगे लिखना चाहो कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये चीज़ जो है एरर क्रिएट कर देगी, द वैल्यू इज़ फिक्स्ड, एक बार जो आपने वैल्यू अलॉट कर दी इट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। सो व्हाट इज़ दिस, द सी इज़ एक्चुअली ए लिटरल और यू माइट से दैट इट इज़ अ कॉन्स्टेंट, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो
तो इसे हम बोलते हैं ये लिटरल मतलब वेरिएबल एंड लिटरल, ये दोनों में डिफरेंस है। तो लेकिन है क्या, दोनों ही मेमोरी में नेम्ड मेमोरी लोकेशंस होते हैं। वेरिएबल्स की वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम चेंज हो सकती है और कॉन्स्टेंट्स या लिटरल्स की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। कैसे बनाते हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यूजिंग फाइनल कीवर्ड। बस जो भी डिक्लेयर कर रहे हो आप उसके आगे, सॉरी दिस इज़ अ मिस्टेक, मैं फ्लोट लिख दिया, बोल रही थी फाइनल, करेक्शन करना भाई, ठीक है, दिस वॉज अ मिस्टेक, मैंने लिखने में मिस्टेक कर दी उसमें, इस अ फाइनल कीवर्ड, फ्लोट लिख दिया था, सॉरी, ठीक है। अच्छा अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा लिटरल क्या है, वेरिएबल क्या है, ठीक है। तो अब वेरिएबल से रिलेटेड ही कुछ एक दो इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन और ले लो, ठीक है, जब टॉपिक आया तो उसे कंप्लीट ही कर देते हैं। वेरिएबल्स के बारे में एक दो बातें हैं, जैसे फर्स्ट थिंग इज डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे होता है, जैसे अभी मैंने लिखा था इंट ए, ऐसे लिख दिया, यानी कि मेमोरी में स्पेस एलोकेट करना, ठीक है, दिस इज नोन एज डिक्लेरेशन। व्हाट इज डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल इज एलोकेटिंग स्पेस इन द मेमोरी टू ए वेरिएबल इज नोन एज डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। तो ये होता है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। इसके सिंटेक्स भी आपको पता होना चाहिए, सिंटेक्स मतलब होता है किसी चीज़ का जनरल फॉर्म, ठीक है। तो जनरल फॉर्म क्या है कि डिक्लेयर करोगे तो कैसे करोगे, सबसे पहले आगे क्या बताओगे, अभी मैंने बताया था ये चीज़ क्या होती है जो आगे लिखी जाती है, दिस इज नोन एज डेटा टाइप। तो सबसे पहले आप लिखोगे डेटा टाइप और डेटा टाइप के बाद लिखोगे वेरिएबल नेम, वेरिएबल का नाम एंड देन सेमी कॉलन, ये रहेगा सिंटेक्स, ये सिंटेक्स है और उसके बाद ये इसका एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसे करते हैं। दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। द नेक्स्ट इज नाउ इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल जो है ये क्या चीज है, वेरिएबल को वैल्यू देना, अलॉटिंग वैल्यू टू ए वेरिएबल इज नोन एज इनिशियलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे यही वेरिएबल मैंने ए डिक्लेयर किया, उसके बाद में लिख दूँ ए इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि जो मैंने उसमें मेमोरी में जो मैंने उसे स्पेस दी थी, उस स्पेस में मैंने उसमें वैल्यू 5 कर दी, तो दिस इज नोन एज इनिशियलाइजेशन। अच्छा इसके साथ ही एक और टर्म भी क्लियर होना चाहिए, दैट इज नोन एज डायनामिक इनिशियलाइजेशन। डायनेमिक इनिशियलाइजेशन क्या होता है, इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल ड्यूरिंग रन टाइम, इनिशियलाइजेशन ऑफ ए वेरिएबल ड्यूरिंग रन टाइम, ड्यूरिंग रन टाइम मतलब ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, रन टाइम मीन्स एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ओके। तो इसे बोलते हैं डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे यही वेरिएबल a इज इक्वल टू 5 है, ये तो जैसे ही ये लाइन हमने लिखी है वैसे ही वेरिएबल को वैल्यू 5 मिल जाएगी, लेकिन अगर इसकी जगह पर मैं इस तरीके से लिखती, इसका एग्जांपल मैं ऐसे लिख देती a इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल नॉट a b, कोई और एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेती हूँ b इज इक्वल टू a प्लस 10। अब क्या होगा, ये वैल्यू तुरंत एट द इंस्टेंट एलोकेट नहीं होगी, जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराओगे या प्रोग्राम को रन कराओगे उस टाइम पर जब ये रन होगा और ये कमांड एग्जीक्यूट होगा तब b इज इक्वल टू ए प्लस 10 होगा, तब जाके जो वेरिएबल b होगा उस वेरिएबल b को वैल्यू a प्लस 10 यानी 5 प्लस 10
15 वैल्यू एलोकेट होगी. तो व्हाट इज दिस, दिस इज यानी अगर आपने कोई, इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई एक्सप्रेशन डायरेक्ट वैल्यू की जगह कोई इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि रन टाइम जब प्रोग्राम रन करोगे एग्जीक्यूट करोगे तो वो वैल्यू एलोकेट होती है, तो उसे हम बोलते हैं डायनेमिक इनिशियलाइजेशन. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया क्या व्हाट इज डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट करना, ठीक है, दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल को वैल्यू देना, दैट इज नोन एज इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, एंड देन डायनेमिक इनिशियलाइजेशन, दैट इज इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग रन टाइम. तो इतना सारा आपको समझ आ गया. तो हम वापस अब लौटते हैं उस चीज़ पर जिससे हमने स्टार्ट किया था, दैट वॉज आइडेंटिफायर. अब आइडेंटिफायर क्या है, आइडेंटिफायर बोला था ना कि वेरिएबल्स को जो नेम देते हैं, अब ये बात समझ में आ रही होगी, हमने वेरिएबल्स पढ़ लिया, लिटरल्स पढ़ लिया, तो आप जो भी नाम देते हो किसी भी पार्ट को, यानी आप कभी वेरिएबल लिखोगे तो उसको कुछ नेम दोगे, लिटरल लिखोगे तो उसे कुछ नेम दोगे, ऐसे ही आप कभी आप आज फर्दर पढ़ोगे तो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, क्लासेस बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है, या फंक्शन भी बनाते हो, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप क्या देते हो, आप देते हो नेम्स. तो नेम्स जो आप देते हो, नेम्स, तो उसे बोलते हैं हम आइडेंटिफायर. ठीक है, नेम गिवन टू एनी पार्ट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज आइडेंटिफायर. सॉरी, तो अब लेकिन क्या है कि जैसे आप नेम्स तो दे दिए हैं आपने, लेकिन नेम्स देने के कुछ रूल्स भी होते हैं, आपको उन्हें फॉलो करना होगा. तो वो रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स दैट आर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, वो रूल्स देखते हैं क्या है. तो जो सबसे पहला रूल है कि आप क्या यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल एंड स्मॉल बोथ, यू कैन यूज़ डिजिट्स, डिजिट्स भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, नोट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर आप जैसे कि स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करना चाहो, स्पेशल कैरेक्टर्स मतलब कुछ भी, डॉट, क्वेश्चन मार्क, कुछ भी, ठीक है, सेमी कॉलन वगैरह, तो वो स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ नहीं कर सकते अदर दैन केवल डॉलर साइन, ठीक है, एंड अंडरस्कोर. सिर्फ ये दोनों यूज़ कर सकते हो, इनके अलावा कोई और स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये पहला हो गया, यू कैन यूज़ अल्फ़ाबेट्स, यू कैन यूज़ डिजिट्स, यू कैन यूज़ स्पेशल कैरेक्टर्स, ओनली डॉलर एंड अंडरस्कोर, सिर्फ इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा कोई नहीं यूज़ कर सकते. सेकेंड रूल इज़ रिलेटेड टू डिजिट्स. जैसे हमने डिजिट्स की बात की, तो डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं बट डिजिट से आप स्टार्ट नहीं कर सकते. तो यानी जो सेकेंड रूल है वो ये है कि जो आइडेंटिफायर है या जो नेम है, इट मस्ट नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, इट शुड नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट. ये सेकेंड रूल है फॉर नेमिंग द आइडेंटिफायर. द थर्ड वन इज कि आप किसी भी रिजर्व वर्ड को यूज नहीं कर सकते, यानी इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड. वो कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए, कीवर्ड समझ में आ गया होगा, रिजर्व वर्ड्स जो हैं वो नहीं हो सकता. यानी आप किसी वेरिएबल का नाम, आप सोचो कि जैसे इंट ऑलरेडी फिक्स है कि उसका कुछ रिजर्व मीनिंग है, तो आप वेरिएबल का नाम इंट रखना चाहो नहीं रख सकते. ठीक है, तो ये चीज़ है, तो आप इट शुड नॉट बी ए कीवर्ड. फिर फाइनली लिखा है कि लेंथ का कोई इशू है, नहीं, लेंथ का कोई इशू नहीं है, आप जितना चाहो उतने लंबे आइडेंटिफायर के नेम्स रख सकते हो. तो दीज आर द सम रूल्स फॉर नेमिंग द आइडेंटिफायर्स. इसमें छोटा मोटा क्वेश्चन बन के आ जाता है, जैसे आपको कोई भी दे देंगे नेम्स और आपसे पूछ लेंगे कि क्या ये वैलिड है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, मैंने लिख दिया ए बी सी 2020, क्या ये वैलिड आइडेंटिफायर है? बिल्कुल है, डिजिट्स यूज़ कर सकते हो, नंबर्स यूज़ कर सकते हो. फिर मैं आपको दे रही हूँ, सपोज मैंने दिया एट द रेट ए बी बी सी, क्या ये है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने क्या यूज़ कर लिया, एट द रेट, जो कि आप स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते अदर देन डॉलर एंड अंडरस्कोर. फिर सपोज़ मैंने आपको दे दिया पब्लिक, क्या ये आइडेंटिफायर है? बिल्कुल नहीं है, क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज़ अ कीवर्ड, क्योंकि कीवर्ड है. ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा. या फिर मैं आपको ऐसे दे दूँ 2391 प्रतिभा,
क्या ये वैलिड आइडेंटिफायर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने क्या कर दिया है, आपने स्टार्ट कर दिया है डिजिट से, वो आप नहीं कर सकते। तो आप ये चीज़ रूल से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन से वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं, कौन से नहीं हैं। तो ये हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें आज कंप्लीट कर ली हैं। हमने कंप्लीट कर लिया आइडेंटिफायर, हमने कंप्लीट कर लिया वेरिएबल, हमने कंप्लीट कर लिया कॉन्स्टेंट या फिर लिटरल, किसे क्या कहते हैं, ठीक है, लिटरल। तो ये सब है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा अगर स्लो भी लगता है ना कभी, तो फर्स्ट फास्ट फॉरवर्ड करके देख लिया करो, समझ में मतलब इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा देखने में। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, कंटिन्यू करते रहना, चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगी, गैप कर दोगे फिर नहीं समझ आएगा। ओके, बाय।